हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। सो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर क्वेश्चन का अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम उसी वक्त आपको मिलता रहे। सो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अब हम आगे चलते हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के पेज नंबर 142 के ऊपर दिए गए दो क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन क्या है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सपोज एक ही वेइंग मशीन है, दिस इज द वेइंग मशीन जो बता रही है कि आपका वेट कितना है और इसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, सो कोई जो है वो इसके ऊपर खड़ा है और इसका जो वेट बता रही है मशीन वो बता रही है 42 kg। अब क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअल में इसका वेट 42 kg से ज़्यादा है या कम है। सो अगेन बच्चों देखो, इसमें जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा बियॉन्ड फोर्स का। जैसे कि हमने देखा कि लिक्विड जो है वो एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, सिमिलरली जो गैसेज हैं या जनरली हम कहते हैं एयर, दे ऑल्सो एग्जर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स। ये भी एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, सो अगर एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी जो कि इसका वेट था बेसिकली, जो कि मेजर हुआ है कितना 42 kg, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है जो कि है बियॉन्ड फोर्स, कुछ भी है ये हमें नहीं पता, लेट अस से एफ। तो जो तो अब देखो इसमें हो क्या रहा है, जो डब्ल्यू माइनस एफ है इट इज इक्वल्स टू द मेजर्ड वेट। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि मेजर कितना हुआ 42। ठीक है, सो अगर इसका वेट 42 मेजर हुआ है और इसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स भी लग रही है तो इसका मतलब है कि जो वेइंग मशीन है उसने थोड़ा कम रीडिंग शो की है। सो दैट मीन्स द एक्चुअल वेट विल बी मोर देन 42। एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं। लेट अस से यहां पे लगा रहा था ये 4 का अपवर्ड फोर्स, नीचे इसने लगाया है जिसका वेट एक्चुअल। सो हुआ क्या, जो एक्चुअल वेट था माइनस डब्ल्यू, ये मेजर हुआ, मैंने कहा था ना मेजर वेट है, ये मेजर हुआ कितना 42। सो डब्ल्यू कितना हो गया 42 प्लस एफ, एफ कितना है 44, तो 46। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो उसका एक्चुअल मास होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा जो आपका रीडिंग में आया है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स के कारण जो रीडिंग हुई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यू हैव एन बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। अब देखो कॉटन की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, सो द डेंसिटी ऑफ कॉटन इज मच लेस देन डेंसिटी ऑफ आयरन। तो हो सकता है कि 100 किलो कॉटन आपकी लगभग इतना एरिया ले, बट 100 किलो आयरन हो सकता है सिर्फ इतने से एरिया में हो जाए। ठीक है, सो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ड्यू टू डेंसिटी। अब क्वेश्चन में क्या गया है कि ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन के ऊपर डाल के इन्होंने 100 kg बताया। अब इन रियलिटी वन इज हैवियर देन द अदर, तो हमें बताना है कि कौन सा हैवियर होगा। अब देखो अपवर्ड फोर्स जो लगती है इट डिपेंड्स ऑन द एरिया बेसिकली, ठीक है ना, जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब सरफेस एरिया तो हमें दिख रहा है कि जो कॉटन का है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। सो द अपवर्ड फोर्स जो यहाँ पे लग रही है लेट अस से F1, और जो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लग रही है F2, इसमें हम कह सकते हैं F1 इज मच मच मोर देन F2। जब अपवर्ड फोर्स कॉटन के ऊपर बहुत ज़्यादा लग रही है कंपेयर टू आयरन,
सो दैट मीन्स जो वेइंग मशीन के ऊपर मेजर हुआ है वो कॉटन का बहुत कम हुआ है कंपेयर टू आयरन. सो द वेइंग मशीन मेजर्स कॉटन लेस देन आयरन. सो अगर ऐसा है एक्चुअली में तो विच वन इज हैवियर? सो कॉटन बैग इज हैवियर. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज 142. थैंक यू.